दोस्तों नमस्कार, अक्षय इंटीरियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखिए 2 BHK साइट विजिट करेंगे, जहाँ पे हमारा वर्क पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी देखिए हमारा यहाँ पे जूते का बॉक्स बनाए हुए हैं बाहर साइड में, और सामने नेम प्लेट है, और देखिए इसमें एक्रेलिक का जाली लगा हुआ वाइट कलर का, और प्लाईवुड का ही हैंडल बना दिया है डोर के अंदर, जो काफ़ी मजबूत होता है। अभी हम चलते हैं फ्लैट के अंदर। अभी फ्लैट के अंदर देखते हैं, हमारे राइट साइड में ही मंदिर है। फ्लैट से जैसे हम एंट्री करेंगे अंदर साइड में, तो राइट साइड में मंदिर का अरेंज किया हुआ है। अभी देखिए मंदिर, और मंदिर के अंदर हमने एक रैलिक जाली डाला हुआ है साइड में, और बैक साइड में एक रैलिक है, उसके अंदर लाइट भी डाला हुआ है। अभी देखिए हमारा POP फॉल सीलिंग हो गया। डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है POP का, और इसके अंदर इस LED स्ट्रिप लाइट भी डाला हुआ है। और फ्लैट के अंदर छोटा से छोटा जगह है, उसको प्रॉपर यूज किया हुआ है हम लोग। अभी आप देख सकते हैं सामने TV यूनिट है, और ये बालकनी एक्सटेंशन हुआ था। इसके अंदर इस साइड में स्टोरेज बॉक्स बना हुआ है, PVC बालकनी का भी काम हुआ है, बालकनी में PVC सीलिंग लगा हुआ है। और ये देखिए TV यूनिट है, इसमें 4 ड्रॉवर डाला हुआ है नीचे, और आप देख सकते हैं साइड में प्रोफाइल लाइट डाले हैं बॉक्स में, और जस्ट TV के ऊपर हैंगिंग लाइट लगा हुआ है गोल्डन कलर में। अभी हम किचन में देखते हैं, किचन का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाला हुआ है पहले से ही, आप जाके पूरा फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं। देखिए L टाइप में किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है, और किचन के नीचे भी प्रोफाइल लाइट डाले हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। किचन के नीचे आप प्रोफाइल लाइट देख सकते हैं, और ये किचन में साइड में एक सर्विस प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जो किचन का जो साइज़ था काफ़ी छोटा था, इसके लिए साइड में सर्विस प्लेटफॉर्म बनाया हुआ। अभी हम चलते हैं बेडरूम में, बेडरूम में देखते हैं मास्टर बेडरूम में। ये कॉमन बेडरूम, मास्टर बेडरूम में चलते हैं। मास्टर बेडरूम में देखिए फोल्डिंग बेड है हाइड्रोलिक वाला, अभी इस पर गादी वगैरह नहीं डाला हुआ है। बेड के बैक साइड में कप्सर लगा हुआ है, गादी लगा हुआ है बेड के बैक साइड में। बेड के दोनों साइड में ड्रॉवर दिए हैं, साइड ड्रॉवर, कि जिसके ऊपर हम मोबाइल चार्जिंग वगैरह में लगा के रख सकते हैं। और देखिए साइड में ड्रॉवर भी है। फ्लैट के अंदर हम जितना भी एरिया है उसको अच्छे से यूज किए हुए हैं, और ये साइड में देखिए आप ड्रेसिंग टेबल हो गया। अभी हम कपाट देखते हैं, कपाट के अंदर देखिए स्लाइडिंग कपाट है। इसमें कैसा रहता है कि जगह बहुत कम लेता है, स्लाइडिंग डोर बना हुआ है कपाट के अंदर, वार्डरोब। अभी कपाट के ऊपर भी स्टोरेज है, ये सब हाइड्रोलिक पंप पे लगा हुआ है। ऊपर 3 डोर बना हुआ है। पेंटिंग वगैरह आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। पेंटिंग हमने पूरा लाइट सेट लिया है, और सिर्फ हाइलाइटर के लिए डार्क यूज किया हुआ है। अभी हॉल में भी आप देख सकते हैं पेंटिंग पूरा लाइट कलर है, सिर्फ एक दीवार को हाइलाइट किया हुआ है। अभी चलते हैं कॉमन बेडरूम में। कॉमन बेडरूम में देखिए सीलिंग में प्रोफाइल लाइट है, POP हुआ है, इसमें प्रोफाइल लाइट डाला हुआ है। और ये हो गया अपना ड्रेसिंग टेबल साइड में। ये देख सकते हैं आप स्टोरेज, स्टोरेज पूरा फुल मिल रहा है। अभी ये हमारा कॉमन बेडरूम का वार्डरोब हो गया, इसमें भी ऊपर 3 डोर बना हुआ है स्टोरेज के लिए, और ये स्लाइडिंग हो गया। स्लाइडिंग के अंदर एक वार्डरोब के अंदर हम नॉर्मली 3 से 4 ड्रॉवर ये रखते हैं। ये हमारा स्लाइडिंग डोर, अभी इसमें हम एक फोल्डिंग ड्रॉवर भी बनाए हैं, तो फोल्डिंग ड्रॉवर आप देखिए बाहर निकलने के बाद पूरा ड्रॉवर फोल्ड हो जाता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल है, अभी हम स्टार्ट किए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।